दोस्तों आज हम ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें क्या सही है क्या गलत है और क्या सपना है क्या हकीकत है कुछ समझ में नहीं आता है। ये मूवी सिंथेटिक के साथ साथ काफ़ी डरावनी मूवी भी लगती है। तो दोस्तों इस मूवी का नाम है डेथ ऑफ मी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक कमरे को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है और रूम के सारे जगहों पर कचरा फैला होता है। तभी हमें रूम में कपल को दिखाया जाता है जो सो रहे होते हैं। इन दोनों का क्रिस्टी और नील नाम होता है। तभी क्रिस्टी जग जाती है, पूरे कमरे को देखती है। उसे कमरे की हालत बहुत ख़राब दिखती है। तभी बाहर से कोई आता है और दरवाज़ा खटखटाता है और वह बाहर ही मछलियां रखकर चला जाता है। तभी क्रिस्टी नील को ढूंढने लगती है और उसे बेड के नीचे सोते हुए पाती है। तभी क्रिस्टी नील को जगाती है और नील उठ जाता है। दोनों उठकर यही कहते हैं कि कल रात को क्या हुआ था। हालांकि दोस्तों इन दोनों के साथ अगले 12 घंटे तक क्या हुआ था इन्हें कुछ भी पता नहीं रहता है। तभी क्रिस्टी कहती है हमें यहाँ से निकलना है, हम लेट हो गए हैं। नील एक ट्रेवलर रिपोर्टर है और वो इसी के लिए स्टापू पर आए होते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि नील और क्रिस्टी टैक्सी करके बोट की तरफ जाने लगते हैं और तभी टैक्सी ड्राइवर टैक्सी को दूसरी ओर मोड़ लेता है और क्रिस्टी को शक हो जाता है कि हमें कहीं और ले जा रहा है और ड्राइवर से पूछती है कि ये रास्ता तो कहीं और जाता है और हमें पानी की तरफ जाना है, तुम गाड़ी को घुमाओ। तब ड्राइवर बोलता है आज फेस्टिवल है और उस रास्ते पर काफ़ी भीड़ है, हम उस रास्ते से नहीं जा सकते। तभी नील कहता है हमें पानी की तरफ ले चलो, चाहे तो तुम हमसे ज़्यादा पैसे ले लो। इसी बीच में इन तीनों में काफ़ी बहस होने लगती है और ड्राइवर टैक्सी रोककर दोनों को वहीं पर उतार देता है। क्रिस्टी बहुत ही गुस्सा होती है। दोनों ऐसे तैसे करके पानी के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने में पता चलता है कि उनका पासपोर्ट उनके पास नहीं होता है और वो बोट में बैठने की अनुमति नहीं मिलती है। इधर दोनों आपस में बात करते हैं कि उन्हें आखिरी बार पासपोर्ट कहाँ देखा था और वह काफ़ी ज़्यादा याद करने की कोशिश करते हैं पर उन्हें कुछ भी याद नहीं आता है। तभी इधर बोट निकल जाती है जिस पर उनका सारा सामान लगेज होता है और वह दोनों चिल्लाने लगते हैं लेकिन बोट नहीं रुकती। तभी वहीं पर एक औरत आकर कहती है 7:00 का और बोट है, तब तक आप दोनों अपना पासपोर्ट ढूंढ लीजिए। और वो दोनों वापस उसी होटल में आ जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि नील अपने कैमरे में कुछ फुटेज को देखता है और उन्हें एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है जिसके बारे में उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। इस वीडियो में देखते हैं कि दोनों एक बार में बैठकर पी रहे हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम मैडी होता है, वो सबको स्पेशल ड्रिंक का ऑफर देती है और क्रिस्टी और नील इस ड्रिंक को ले लेते हैं। फिर उसके बाद उन्हें कुछ अजीब होने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि नील और क्रिस्टी दोनों ही इंटीमेट होने लगते हैं और वहीं पर नील क्रिस्टी को मारकर जमीन में दफना देता है और फिर यह वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिर क्रिस्टी कहती है ये तुमने क्या किया मेरे साथ, जिस पर नील को पता है कि मुझे कुछ याद नहीं है और ना ही मैं तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए कुछ सोच सकता हूँ। इसी बात को लेकर दोनों में काफ़ी बहस होती है। क्रिस्टी अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेती है और नील बाहर से चिल्लाता रहता है। तभी क्रिस्टी अपने लॉकेट निकाल देती है, उसके बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसके मुँह से कचरे की उल्टी होने लगती है। तभी नील दरवाज़ा तोड़कर अंदर आता है और क्रिस्टी को अजीब रूप में देखता है। तब उसके शरीर पर अजीब तरह के घाव उभर आए थे। उसके बाद उस रूम में दूसरी औरत अपनी बेटी के साथ रहने आती है जिसका नाम सैमंथा होता है और उन्हें क्रिस्टी को वहाँ के डॉक्टर को दिखाने के लिए कहती है। फिर क्रिस्टी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टर बताता है कि इन्हें शायद नमन प्राय हुआ है। नील इस बीमारी के बारे में सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि इस बीमारी में मौत छोड़कर बाकी सब कुछ होता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी क्रिस्टी के साथ कुछ अजीब सा होने लगता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वहाँ से वे दोनों कैफे में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ फेस्टिवल मनाया जा रहा है। उन्हें लगता है कि यह रहस्यमय फेस्टिवल है और नील क्रिस्टी को काफी मनाने के बाद उस फेस्टिवल की फोटेज खींचने चला जाता है। तभी इधर क्रिस्टी की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है और वह अपना लॉकेट वहीं टेबल पर निकाल के रख देती है और बाथरूम में चली जाती है। और इधर नील को फोटेज खींचने लगता है और अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाने लगता है
और इधर दिखाया जाता है कि किश्ती के साथ अजीब सा मुंह में से कुछ निकल रहा है। इधर नील को दिखाया जाता है कि उसका फोन कोई छीन कर भाग रहा है। नील उसके पीछे भागने लगता है, फिर उस चोर को पकड़ लेता है और वहाँ वह चोर उसके फोन से वो वीडियो डिलीट कर देता है और नील इधर उसे पकड़ कर अपना फोन ले लेता है। फिर वहाँ से वापस कैफे में आता है तो देखता है कि क्रिस्टी वहाँ पर नहीं है और वो सबसे पूछने लगता है। फिर वहाँ से बाथरूम में जाता है जहाँ पर क्रिस्टी का हैंड बैग मिलता है, पर क्रिस्टी नहीं मिलती है और नील क्रिस्टी को ढूंढने लगता है। इधर दिखाया जाता है कि क्रिस्टी के साथ कुछ भयानक लोग जिनके आँख और मुँह सिले हुए हैं, वे लोग क्रिस्टी के साथ कुछ कर रहे हैं जिससे क्रिस्टी काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है। फिर इधर नील ढूंढता हुआ क्रिस्टी को एक गली में बेहोश मिलती है। फिर वहां से नील क्रिस्टी को लेकर चला आता है। फिर क्रिस्टी के गले में वही लॉकेट होता है जो वहां पर उसने टेबल पर रखी हुई थी। यहां से जाने के बाद क्रिस्टी बताती है कि उसके साथ क्या हुआ है, पर नील इस बात पर विश्वास नहीं करता है। फिर वहीं पर क्रिस्टी को लड़की दिखाई देती है जो उन्हें ड्रिंक ऑफर की थी। फिर वो दोनों मिलकर उसका पीछा करने लगते हैं लेकिन वो नहीं मिलती है। फिर उसके बारे में पता लगाने के लिए एक टैटू आर्टिस्ट जिसका नाम कांटा है उसके पास जाते हैं और वहाँ पर अपने गले के लॉकेट के बारे में पूछती है। तभी वहाँ पर एक आदमी क्रिस्टी को गले लगाकर थैंक यू बोलकर चला जाता है। फिर वह बोलती है, क्रिस्टी तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें ये लॉकेट मिला है। फिर उसके बाद क्रिस्टी अपने बारे में सब बताती है, इस लॉकेट के पहनने के बाद उसके साथ साथ क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं लगता है। फिर वे दोनों मैडी के बारे में पूछते हैं, इसके लिए नील उन्हें पैसे भी देता है और मैडी का पता लेकर वो वहां से निकल जाते हैं। फिर दोनों मैडी के घर पहुंचते हैं जहां पर बहुत से लोग खाना खा रहे होते हैं। नील और क्रिस्टी को देखकर वे लोग अजीब तरह से मुस्कुराने लगते हैं। फिर नील क्रिस्टी मैडी के घर चले जाते, मैडी नील का पासपोर्ट देती है। तभी नील कहता है कि क्रिस्टी का पासपोर्ट कहाँ है, लेकिन मैडी कहती है कि उसे सिर्फ एक ही पासपोर्ट मिला था और नील का था और क्रिस्टी का पासपोर्ट उसे नहीं मालूम कहाँ है। नील कहता है, कल रात से हमारे साथ बहुत अजीब सा हो रहा है, मैंने क्रिस्टी को मारकर जमीन में दफना दिया है, ये सब क्या हो रहा है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैडी उन्हें बताती है कि ये जो हो रहा है उस ड्रिंक के साइड इफेक्ट है। तभी क्रिस्टी कहती है, तुम जानती थी तो फिर हमको क्यों ड्रिंक पिलाई। मैडी कहती है, मैंने वो ड्रिंक पिलाई नहीं बल्कि आप लोगों ने खुद मांगी थी मुझसे। तभी इसके बीच में काफी बहस होने लगती है और क्रिस्टी नील वहां से जाने लगते हैं। रास्ते में क्रिस्टी को बच्चे घेर लेते हैं और उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं और नील क्रिस्टी को लेकर वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद नील एक बोट को मना लेता है वहां से निकलने के लिए। नील जाके समुद्र के किनारे बोट का इंतजार करने लगता है। तभी क्रिस्टी उसके पास आकर उसका फोन मांगती है किसी को फोन करने के लिए, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं होने के कारण क्रिस्टी वो फोन लेकर वहां से काफी दूर चली जाती है। फिर भी कोई नेटवर्क नहीं मिल पाता है उसे। तभी क्रिस्टी एक वीडियो देखती है जिसमें नील कहता है कि हम यहां पर एक भयानक मौत मरने वाले हैं। इधर नील के पास एक आदमी आता है और नील के कान में कुछ कहता है जिससे नील सम्मोहित हो जाता है और नील वहीं पर अपने आप को मार लेता है। क्रिस्टी ये सब देखकर दौड़ते हुए नील के पास आती है। तब तक नील पानी में गिर जाता है। ये सब देखकर क्रिस्टी बेहोश हो जाती है। जब क्रिस्टी को होश आता है तो उसके पास उसकी रूममेट समंता और एक पुलिस ऑफिसर होता है। क्रिस्टी उन दोनों से नील के बारे में पूछती है और वो दोनों बोलते हैं कि तुम यहाँ पर अकेली आई थी, तुम्हारे साथ नील नहीं था। क्रिस्टी बताती है कि नील ने अपने आप को मेरे सामने मार डाला और पानी में गिर गया, लेकिन समंता कहती है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यह सब सुनकर क्रिस्टी पानी के किनारे जाने लगती है और नील को बुलाने लगती है। फिर कुछ समय बाद क्रिस्टी पानी के किनारे जाती है और उसे वहां पर कुछ कंकाल दिखाई देता है जिससे वह काफी डर जाती है। तभी इधर समंथा बुलाती है से वह मुड़कर देखने लगती है। फिर क्रिस्टी नीचे देखती तो सारे कंकाल गायब हो जाते हैं। समंथा बुलाती है और कहती है नील का फोन है। फिर क्रिस्टी फोन लेकर बोलती है लेकिन उधर से कुछ भी आवाज नहीं आती है, बस एक खरखरा
चिल्लाने की आवाज आती है, फिर फोन कट जाता है। क्रिस्टी कहती है कि मैं जानती हूँ ये सब क्या हो रहा है और इसके पीछे कौन है। यह कहकर वहाँ से जाने लगती है। इस बार समंथा भी उसके साथ ही जाती है। गाड़ी के रेडियो में बताया जाता है कि यहाँ पर एक भयानक तूफान आने वाला है जो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आने वाला है। सभी लोग अब सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं। क्रिस्टी समंथा से इस तूफान के बारे में पूछती है। समंथा कहती है कि यहाँ पर 200 सालों में ऐसा कोई तूफान नहीं आया था और ऐसा कभी भी कोई भी तूफान इस टापू को छू नहीं पाया है। फिर दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं। क्रिस्टी अकेले उस जगह पे जाने लगती है। तभी वहाँ पर एक फोन की घंटी बजती है और क्रिस्टी उस फोन को रिसीव करती है और उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। फिर वह मुड़कर पीछे देखती है तो उसे वही लोग फिर से दिखाई देते हैं और वह उन सबसे अनिल के बारे में पूछती है। फिर वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब क्रिस्टी को होश आता है तो वह समंथा के घर पर होती है। फिर क्रिस्टी कहती है कि मैं यहाँ कैसे आई। समंथा कहती है तुम वहाँ पर गाड़ी से उतरने पर ही बेहोश हो गई थी, फिर हमने तुम्हें वहाँ से ले आए। फिर क्रिस्टी बाथरूम में चली जाती है और याद करने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर उसे कुछ याद आता है कि वो लोग उस पर कोई काली विद्या कर रहे थे और उसके नीचे से कुछ शरीर के अंदर डाल रहे थे। यह सब याद करके उस लॉकेट को अपने गले से निकाल देती है। तभी उसकी तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और समंथा अब उसके पास आती है। वह लॉकेट पहना देती है और उसे डॉक्टर के पास लेके जाती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है और उसका अल्ट्रासाउंड होता है तो दिखाया जाता है कि वह सच में प्रेग्नेंट है। लेकिन क्रिस्टी को यकीन नहीं होता है और वो वहाँ से भाग जाती है। उसे बाहर पुलिस वाला मिलता है। वो कहता है आपको किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर तूफान आने वाला है। फिर क्रिस्टी वहाँ से कांटा के पास चली जाती है। वहाँ पर कांटा बताती है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जो तुम देख रही हो तुम्हें नहीं देखना चाहिए। क्रिस्टी बताती है कि वह भी मर चुकी है। फिर मैं यहाँ कैसे हूँ। जिस पर कांटा कहती है कि न तो तुम मरी हो और न ही तुम जिंदा हो, ये लॉकेट जो तुम्हारे रक्षा कर रहा है, यहाँ पर ऐसी ही परंपरा है और मैं इन सबको नहीं मानती। किसी के काफी मनाने के बाद कांटा तैयार हो जाती है वहाँ से निकलने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। तो वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और उसे देखकर क्रिस्टी छिप जाती है और वह आदमी कांटा के कान में कुछ कहता है जिससे वो सम्मोहित हो जाती है। फिर वह वहाँ से चला जाता है। तब क्रिस्टी बाहर आती और देखती है कि कांटा भी अपने आप को उसी तरह मार रही है। क्रिस्टी को वहां से भागने के लिए कहती है। क्रिस्टी वहां पर एक बड़ी गन लेकर भाग जाती है और उसे बाहर समंथा मिलती है। फिर समंथा उसे लेकर वहां से निकल जाती है। समंथा लेकर उसे फेरी की तरफ जाने लगती है। समंथा उसे फेरी की तरफ जाने के लिए कहती है। फिर दोनों बैठकर जाने लगते हैं। फिर समंथा की बेटी स्वीटी कहती है कि ये रास्ता फेरी की तरफ नहीं जाता है, आप मम्मी आप रॉन्ग साइड जा रही हैं। लेकिन समंथा उसे डांटकर चुप करा देती है। लेकिन क्रिस्टी सब समझ जाती है और समंथा से पूछती तुम इसकी माँ नहीं हो ना, जिस पर समंथा कहती है नहीं मैं ही इसकी माँ हूँ। फिर वह स्वीटी से पूछती है तुम्हारी माँ कहाँ है, जिस पर स्वीटी कहती है जमीन के नीचे। फिर क्रिस्टी समंथा से पूछती है इसकी माँ का क्या हुआ था, जिस पर समंथा कहती है कि इसकी माँ ने ऐसे ही तूफान को रोकने के लिए अपने आप को बलि दी थी, जो इस बार उस बलि की जगह पे तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। यहाँ पर यही परंपरा चलती आ रही है, जिससे क्रिस्टी गुस्सा हो जाती है और समंथा को वहीं पर गोली मार देती है। वहां से भागने लगती है। तभी आगे उसे कुछ लोग मिलते हैं जो उस फेस्टिवल के ड्रेस में होते हैं और क्रिस्टी को बेहोश करके उसे एक दरवाजे के पास छोड़ देते हैं। जब क्रिस्टी होश में आती है तब वो दरवाजा खोलती है और अंदर के लोग क्रिस्टी को देखकर उसका स्वागत करते हैं और उसके आगे अपना सर झुकाते हैं। तभी वहाँ पर मैडी भी आ जाती है, वह अपना सर झुकाती है। क्रिस्टी फिर वहाँ से भागने के लिए पीछे मुड़ती है। तभी वहाँ पर कोई धुआं जैसा करके फिर से बेहोश कर देता है। फिर जब क्रिस्टी की आँख खुलती है तो वह देखती है कि वह एक पिलर में बांधी हुई है और वहाँ के लोग क्रिस्टी को देख रहे होते हैं। तभी मैडी उसके पास आ जाती है और क्रिस्टी से कहती है और क्रिस्टी कहती है मुझे यहाँ से जाने दो, जिस पर मैडी कहती है तुम यहाँ पर सबके
लिए स्पेशल हो, जो अपनी जान देकर हम सबकी जान बचाओगी। हम आपके आभारी हैं। यहाँ पर समय समय पर लोग अपनी खुशी से बलिदान देते आ रहे हैं, जिस पर कृष्टि करती है। मैं अपने मर्जी से नहीं कर रही हूँ, तुम लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। यह कहते कहते वो अपना हाथ खोलने का प्रयास करती रहती है, जिस पर मैटी कृष्टि को बहुत समझाती है, लेकिन कृष्टि कुछ भी नहीं मानती। यहाँ पर कृष्टि का पता चलता है कि वह आइलैंड पर एक भगवान के लिए उसकी बलि देने वाले हैं। फिर मैडी सबको मंत्र पढ़ने के लिए कहकर किस्ती के आग को सीलने लगती है। किस्ती चिल्लाने लगती है और अपना हाथ खोलकर मैडी को धक्का देकर वहां से भागने लगती है। फिर वह वहां से किस्ती बोट की तरफ भागने लगती है और वहां पर लोग उसके पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। तभी किस्ती बोट तक पहुंच जाती है और बोट लेकर स्टार्ट करके भाग जाती है। वहां फिर सीन कट कर दिखाया जाता है किस आइलैंड पर एक तूफान आता है, जिस पर पूरा आइलैंड बर्बाद हो जाता है। वहाँ पर कोई भी बचता नहीं है। फिर इधर दिखाया जाता है कि किस्ती समुद्र के बीच में एक बोट पर बेहोश ही है। तभी उसके पास एक बड़ी सरकारी बोट आती है और उसे और वो किस्ती को मरे हुए देखते हैं और उसे लेकर उसी आइलैंड पर चले जाते हैं। और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।